प्रेजिलोन मॉर्निंग डू में आप सबका स्वागत है। निर्गमन का किताब पांचवा अध्याय से कुछ बातों में आज आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। काफी बार लोग ऐसे पूछते, पास्टर जब मैंने बहुत कम प्रार्थना करता था, परमेश्वर से दूर जीता था, तभी मेरे जीवन में तकलीफ कम था, लेकिन जैसे प्रार्थना ज़्यादा हो गया और परमेश्वर से करीब हो गया, मेरा समस्याओं बढ़ गई, इसका कारण क्या है? आप निर्गमन का पुस्तक पांचवा अध्याय जरा सीख लीजिए, इसका उत्तर आपको मिलेगा। मूसा का द्वारा प्रभु इसराइल का लोगों को चुराने के लिए मिस्री देश में मूसा और हारून को भेजा। मूसा ने सोचा एक बार फरवो को जाके बात करेगा तो तुरंत फरवो इस लोगों को छोड़ देगा आराधना करने के लिए, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। मगर क्या हो गया, जैसे मूसा ने जाके बात किया उसके बाद में समस्या तो बढ़ गया। पहले ईंट बनाने के लिए उसका रॉ मटेरियल्स देते था, अभी फरवो ने आज्ञा दिया वैसे जो रॉ मटेरियल्स होते वो देना नहीं है, खुद इनको जाके ढूंढ के पाना पड़ेगा, और ईंट का जो गिनती कम होना भी नहीं है। आखिर में क्या हो गया, इसराइल का बुजुर्ग लोग बहुत निराश हो गया। वो लोग मूसा और हारून के पास आके कहा, तुम लोग आने का वजह से अपना तकलीफ बढ़ गया, परमेश्वर ने हमें चुड़ाया भी नहीं। मूसा भी बहुत दुखी हो गया, प्रभु को उपस्थिति में जाके इसे रोके। मूसा प्रार्थना कर रहे, प्रभु ऐसे क्यों किया, हम आने का वजह से इसराइल का लोगों का तकलीफ कम हुआ नहीं, बढ़ गया, और आपने उनको चुड़ाया भी नहीं। परमेश्वर ने चटवा अध्याय का पहले का आए तो हमें क्या उत्तर दिया मन में, देखो फरवो के ऊपर परमेश्वर का कार्रवाई होने वाला है, और प्रभु ने उनका फैला हुआ बढ़ाया हुआ हाथ से इसराइल का लोगों को चुड़ाने वाला है। परमेश्वर के बच्चों, आपका जीवन में भी जब आप प्रार्थना ज़्यादा कर रहे, ज़्यादा आत्मिक युद्ध कर रहे, तभी तकलीफों बढ़ गया तो इसका मतलब ये नहीं है शत्रु प्रबल हो गया, इसका मतलब ये है शत्रु को जानते आपका छुटकारा का समय हो गया, आपको वायदा पूरा होने का समय हो गया, इसलिए शत्रु रोकने के लिए कोशिश कर रहे। आपको तो निरंतर प्रार्थना करना पड़ेगा, आखिरी जीत परमेश्वर का बच्चा आपका है, मेरा है। प्रभु इस वचनों से हमें मदद करेगा, आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू।